बोचा विधानसभा के छपाहा ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं। 12 तारीख को यहाँ पर पोलिंग होगा और इस वक्त लगभग रात के 9 बजे हैं। मैं के सिद्धार्थ आपको दिखा रहा हूँ वीआईपी न्यूज़ टुडे पर इस गांव के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है और यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है, राजनीति समीकरण यहाँ पर क्या है इस वक्त, आइए जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनुद्दीन अंसारी। क्या लगता है अभी इस क्षेत्र में जो है गर्मा गर्मी बहुत जोरों पर चल रही है कि मुकेश सहनी जी को जो है बर्खास्त भी कर दिया गया है और उनके 3 विधायक जो हैं भाजपा में गए, इससे भाजपा को नुकसान होगा कि मंत्री जी को होगा? अब किसका मंत्री जी के नुकसान होगा? आपको क्या लगता है इसका असर होगा? असर होगा, बिल्कुल होगा। कौन जीतेगा फिर? जीतेगा आरजेडी। आरजेडी जीत रहा है? जीत रहा है। लेकिन पिछली बार तो एनडीए में गठबंधन, ये बीजेपी की सीट निकली थी, आरजेडी कैसे जीतेगा? बीजेपी देखिए, अब बीजेपी कुछ ही बोल दे हो जाएगा, नहीं ना होगा। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सद्दाम फैज। आप किसको वोट देंगे? हम आरजेडी को देंगे। अच्छा, आरजेडी के साथ में। आपका क्या नाम है? शाहिद अंसारी। आप किसको वोट देंगे? हमारा ही वोट में नाम नहीं जुड़ा। आपका भी वोट नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं। अभी और हमारे साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग और बैठे हुए हैं, हम आपको लाइव दिखाएंगे। अभी एक हमारे साथ ही हैं, फास्ट फूड अभी खा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र यादव। ये बताइए कि इस वक्त जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है क्या लगता है, क्या होगा? हम यहाँ के हैं नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलग के। आप? हम भी अलग के रहने वाले हैं। आप भी यहाँ के नहीं हैं? नहीं। चलिए, आप हैं यहाँ के? जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या लगता है कि असर होगा? भाजपा हार रही है कि जीत रही है? हार रही। तो कौन जीत रहा है? जेडीयू। और मुकेश सहनी जी? मुकेश सहनी जी हार जाएंगे। पिछली बार तो जीत गए थे गठबंधन में एनडीए के साथ, इस बार कैसे हार जाएंगे? तो पब्लिक वोट लग रहा था कि विकास करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ। नहीं, विकास जो जो मंत्रालय था उनके पास, वो कह रहे हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है मछली पालन में जो है बहुत अच्छा काम किया है, तालाबों का जो है इधर ट्रांसफर कराया है, 500 रुपये पट्टा दिया है, वो सब बात ऊपर रह गया था। जवान जाति के आधार पर जो समीकरण बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? जाति पर लोग वोट मांगते हैं ना, विपक्षी बात, ऐसा बात नहीं है कि से वोट मिलता है जाति पर वोट। अभी जाके देखिए ग्रामीण में अभी बहुत ऐसा बात है कि से पब्लिक को उचित उपलब्ध नहीं मिल रहा है। तो भाजपा फाइट में नहीं है? नहीं। तो जो उनको बर्खास्त किया है इसका असर होगा? भाजपा का यहाँ का विधायक बना हुआ था लेकिन कोई काम नहीं किया। देखिए इसका सड़क का देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए सड़क का, हमारे ग्रामीण में स्कूल का स्थिति देख लीजिए, नल जल का स्थिति देख लीजिए। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ में और साथी हमारे मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश राय। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है कि बीजेपी ने मुकेश सहनी जी को जो बर्खास्त किया है? हम इस क्षेत्र का नहीं है, बोचा में तो होंगे ना कहीं ना कहीं विधानसभा में? हम मीनापुर क्षेत्र। अच्छा, मीनापुर क्षेत्र। तो फिर भी आप लोग इधर घूम रहे हैं तो लगता होगा कुछ कि क्या असर, किसकी हवा चल रही है, लहर किसकी है? लहर बीजेपी की लहर है। बीजेपी जीत रही है? हाँ, जीत रही है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। अभी कुछ और दुकानदार भी हैं, इनसे भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या लगता है चाचा, असर है? हाँ बोलिए। चुनाव का असर है? चुनाव का असर है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो हार रही है। अब लोग अपना अपना मत है, अपना कहते हैं कि बीजेपी का तो कोई नंबर ही नहीं है। चलिए, आपको क्या लगता है इसका सरकार बनेगा? वही बोले, इसको वोट देंगे? बोलिए। चलिए, क्या लगता है? हम लोग तो हमारे पास में वोट देंगे। कौन जीत, किसको वोट मिलेगा, लहर किसकी है, कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किसकी लहर चल रही है? हम लोग भाजपा के सपोर्टर थे लेकिन हमारे पास में इसलिए वोट दे रहे हैं कि 5 साल बेबी कुमारी विधायक रही लेकिन कुछ नहीं किए, अजय निषाद सांसद 10 साल से वो भी कुछ नहीं किए, इसलिए इस बार हम लोग अमर पासवान को वोट देने जा रहे हैं। अमर पासवान जी को? लेकिन पिछली बार तो उनके पिताजी वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी काम ठीक किए और ये भी ठीक करें। वीआईपी पार्टी को नहीं देंगे? नहीं, हम लोग अमर पासवान को वोट देंगे, आरजेडी को। चलो, आप? बस वही है। किसको वोट देंगे? जो अगला कह रहा है। क्या कह रहा है? जो बोल रहे हैं ना वही बस। आप बताइए। वही बस, हम लोग वही पार्टी हैं। अमर पासवान जी, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं आप इस वक्त की माहौल बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पर बना हुआ है। लोग आरजेडी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग वीआईपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी चुनाव पूरी तरह से क्लियर नहीं है।